मनी स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स में पुनः स्वागत है। क्विज नंबर 2 साइंस क्विज है। इसमें 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्न जो इससे पूर्व वीडियो में दिए गए हैं उसको अगर देखे होंगे तो निश्चित रूप से सॉल्व कर पाएंगे। पहला प्रश्न 0.1 × 0.1, अब बताएं जो इसका सही आंसर क्या होगा। इसके सही आंसर के लिए बोलें 1, 2, 3। अब इसमें नहीं आया जवाब, इसको देखें, इसका सही आंसर होगा 2। 0.1 का अर्थ हुआ 1/10, 0.1 का 1/10 अर्थात 1/100 इक्वल टू 0.01। करेक्ट आंसर इज 2। सेकेंड क्वेश्चंस फ्रॉम MTT। बिजली की खपत जब आते हैं मीटर वाले तो यूनिट में बोलते हैं कि इतने यूनिट का कंजम्पशन है आपके यहाँ, एक यूनिट क्या है, एक यूनिट क्या है, किलोवाट, किलोवाट सेकेंड, किलोवाट आवर, किलोवाट मीटर। 1, 2, 3 जो भी होगा कमेंट में जवाब लिखेंगे। अब हम जवाब बता रहे हैं किलोवाट आवर, एक यूनिट जो होता है वो किलोवाट आवर होता है। 3 नंबर करेक्ट आंसर। MTT में तीसरा क्वेश्चन है क्विज साइंस में, जब हम मोटर खरीदने जाते हैं तो कहते हैं 1/2 HP का दीजिए, 1 HP का दीजिए। HP क्या है, पावर का यूनिट है, हॉर्स पावर। 1 HP कितने शक्ति का मोटर होता है वो बताएंगे। 536 वाट, 746 किलोवाट, 746 वाट और 1 किलोवाट। कमेंट्स बॉक्स में इसके आंसर को आप लिखेंगे, अंत में आंसर दूंगा, क्योंकि कमेंट्स बॉक्स में लिखने के लिए समय चाहिए और इतने में आप इसके जवाब को लिखेंगे और अंत में अपने आंसर को मिलाएंगे। चौथा क्वेश्चंस है MTT का, फोर्थ नंबर क्वेश्चंस है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल 10 अंक यानी डिजिट है जिससे सारे संख्या लिखे जाते हैं। रोमन में कितने डिजिट हैं, रोमन अंक आप ये जानते हैं, 1, 5, 10, L, C, ये सब हैं। इसमें कुल कितने डिजिट होते हैं जिससे रोमन में सारे संख्या लिखे जाएंगे, और ऑप्शंस में हैं 1 में 6, 2 में 11, 3 में 7, 4 में 10। पांच नंबर का क्विज क्वेश्चंस है 1 मिलियन इक्वल टू क्या होगा। 1 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़, 10 लाख, 1 लाख, 10,000। कमेंट्स बॉक्स में आंसर को लिखें और अंत में आंसर्स बताए जाएंगे। अब छठा प्रश्न पर, क्विज का छठा प्रश्न है बल, फोर्स का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन किसके समतुल्य या डेराइव्ड यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन 1 kg/m², ऑप्शन 2 kg/s², थर्ड ऑप्शन kg cm/s² और 4th none।